मेरा नाम राजदा खातून और मैं संत मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और लोगों को जागरूक करना और सरकार का सहयोग करना हमारा ही लक्ष्य है, इसलिए कि हम लोगों ने देखा है कि कैसे लोग जो है मर रहे थे, न शमशान घाट में जगह थी न कब्रिस्तान में थी। अभी जब टीका आ गया तो हम सबको जागरूक किया जा रहा है सब कि आप लोग सब लोग लगवाएं, और मेरे ख्याल से जागरूक हो रही हैं, औरतें भी हो रही हैं, काफ़ी इसमें तादाद में लोग आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी जो है जोश व खरोश के साथ। अपना परिचय दीजिए और आज आप सातवां कोविड 19 कैंप टीकाकरण का हो रहा है, आज आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ आज इसी वक्त शायद आ पाएंगे, कैसा आपको यहाँ के लोगों को? मैं अजय सिंह न्यू पीएससी बालापुर फार्मासिस्ट हूँ, यहाँ टीकाकरण के लिए आया हूँ, एक बार और आ चुका हूँ, आज दूसरी बार आया है। आज यहाँ 100 वैक्सीनेशन हुआ है जिसमें यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया थी, अच्छे से काम हो गया पूरा, 100 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। तो जो वैक्सीनेशन आप जो लगाते हैं तो उस समय जो जिनको लगाते हैं उनके द्वारा कुछ बड़ी या कोई बातें आपको सुनाती हैं? हाँ नहीं, वो पहले कहते थे कि अफवाह थी कि लोग मर जाते हैं या ऐसा हो जाता है, इस वजह से हम नहीं लगवा रहे थे, इसीलिए अब भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग लगवा रहे हैं। इसके में कोई कभी आपके लगाते समय कभी पेनल्टी कोई हुई आपने? नहीं, हमारे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि करीब 1000 लगा चुके होंगे इंजेक्शन, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरी की पूरी अफवाह है कि लगाने के बाद लोग गिर जाते हैं? ना, हाँ अफवाह ही है, कुछ हुआ नहीं किसी को आज तक। 1000 लगा चुके हैं? लगभग 1000 लगा चुके होंगे। अपना आप परिचय देंगे और बताएंगे कि आज आप आए हैं कभी टीकाकरण कैंप में, कैसा महसूस रहा, क्या काम कैसा आपको? हम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सर, न्यू पीएससी बालापुर वार्ड बॉय, यहाँ आपके स्कूल पे सर हम इस बार चौथी बार आए हैं। यहाँ टीकाकरण का काम बहुत अच्छे ढंग से होता है सर। हाँ, पहले तो लोग बहुत डरते थे सर, अफवाह बहुत था, लेकिन अभी समय लोग जागरूक हो चुके हैं टीकाकरण के बारे में। इस जागरूकता में किसको आप ज़्यादा सहयोग देना चाहते हैं? अब यहाँ के लिए तो सर मैं आपको ही कहूँगा, स्कूल को, आपके पूरे विद्यालय परिवार को यही कहूँगा कि बहुत मेहनत से और जागरूकता गाँव में लाने के लिए। तो आपने जब वैक्सीन लगाते हैं तो उस समय कुछ लोगों को कहते भी कुछ सुना होगा आपने? हाँ सर, अफवाह तो बहुत सुनने को मिलता है, पब्लिक है सर, पब्लिक तो बहुत कुछ सुनाएगी, लेकिन आपके यहाँ बहुत बढ़िया ढंग से सर सुचारू रूप से टीकाकरण कार्य होता है। ये बताइए कि आज आप आए हैं, कैसा महसूस हुआ और क्या? सर, मेरा नाम रामचरण सिंह यादव है, हम NMS के पद पर न्यू पीएससी बालापुर में नियुक्त हैं। इस समय ये कोविड का जो वैक्सीनेशन चल रहा है इसमें पूरी स्वास्थ्य की टीम ही लगी हुई है, और इसमें हम लोग को जहाँ से वहाँ से CSC से मिलता है गाइडलाइन, उस हिसाब से जाते हैं और टीकाकरण का कार्य करते हैं। तो इस टीकाकरण करने में आपको आते हैं, आज यहाँ पर आए हैं, क्या महसूस हुआ आपको, क्या फील किया आपने, क्या लोग कैसा के? हमने जितना किया है, दूसरा जैसा जगह होता है कि लोग आते नहीं हैं और आपके चले आते हैं कि अरे नहीं नहीं मत लगाओ, ना यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो पहले से मतलब प्रचार प्रसार लगता है कि प्रबंधकीय स्कूल के माध्यम से या और जो आंगनबाड़ी आशा के स्टाफ हैं उनके द्वारा प्रचार हुआ रहता है, सब लोग बहुत आके और ढंग से मतलब लगवाते हैं, और यहाँ की व्यवस्था भी हम देखे कि 50-100 टीका लग गया, पते नहीं पड़ा कि इतना टीका लग गया होगा, इतना आसानी से मतलब लगा है व्यवस्था के चलते, प्रचार प्रसार भी अच्छा हो रहा है, और यहाँ बस टीका की मतलब वो उपलब्धता होनी चाहिए, बाकी तो बहुत ढंग से लग रहा है टीका। टीका उपलब्ध होती है, अच्छा लग सकता है? हाँ हाँ लगेगा, अब अभी लगभग इस गांव के पूरे कवर हो गए होंगे कि नहीं, कितने नहीं। अभी नहीं ना, ठीक है, तो वहाँ हम लोग कहेंगे CSC पर भी
कि यहाँ अधिक से अधिक मतलब टीकाकरण उपलब्ध मतलब वैक्सीन। हाँ ना ना यहाँ भीड़ अच्छी खासी जुट रही है और सबके मन में जो है उत्साह है, क्या बूढ़े लोग हैं क्या जवान 18 प्लस वाले उत्साह के साथ आ रहे हैं और लगवा रहे हैं टीका। तो ये सब यहाँ के स्टाफ के और गांव वालों का भी सहयोग है, बहुत बढ़िया है, उनको बहुत अच्छा लगा। आप इस प्रोग्राम को करा करके क्या लोगों को संदेश देना चाहती हैं? मेरा नाम राजदा खातून और मैं संत मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और लोगों को जागरूक करना और सरकार का सहयोग करना हमारा ही लक्ष्य है, इसलिए कि हम लोगों ने देखा है कि कैसे लोग जो है मर रहे थे, न शमशान घाट में जगह थी न कब्रिस्तान में थी। अभी जब टीका आ गया तो हम सबको जागरूक किया जा रहा है सब कि आप लोग सब लोग लगवाएं, और मेरे ख्याल से जागरूक हो रही हैं, औरतें भी हो रही हैं, काफ़ी इसमें तादाद में लोग आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी जो है जोश व खरोश के साथ अपना टीका लगवा रहे हैं। आपने कैसे लोगों को इतना प्रेरित किया, क्या बात कहा कि वो आ रहे? बस जाहिर सी बात है, सभी के गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा कि जहां आदमी न मरा होगा। हर गांव में 8-10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा लोग तादाद में मरे हैं। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोग जो है जागरूक किए कि अपने गांव को अपने देश को बचाना है तो हमको जो है कोविन का टीका लगवाना पड़ेगा। और इसी में लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, अपना लगवा रहे हैं। पहले लोग डरते थे, हम लोग को बुलाने से भी लोग नहीं आते थे। आज जो है मैडम जी पहले तो पहले बुलाती थी तो लोग नहीं आते थे, तो पहले के लिए लोगों को क्या संदेश दिया, कौन सी बात कही जिसके जरिए से आने लगे, कौन सी बात के जरिए से अब आने लगे? हाँ, पहले हम लोग खुद लगवाए, अपने स्टाफ को लगवाए कि आप देखिए क्या इसका ये हो रहा है, कोई इसका ये साइड इफेक्ट नहीं है। लोग जगे और देखा देखी जाए, ये तो भारत ऐसी देश है कि सब लोग जो है एक दूसरे को देख करके नकल करते हैं। तो पहले आपने खुद टीका लगवाया? जी जी, पहले मैं लगवाई, मेरा स्टाफ लगाए, मेरे घर के लोग लगवाए। तो पहले आपने खुद लगवाया? जी जी।